हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल विश यू। कैसे हैं आप सभी लोग? होपफुली आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि आज है 2 अक्टूबर और नवरात्र की इवनिंग हो रही है। हम लोग आए थे बाहर, तो बाहर जब आए कुछ सामान लेने, तो हमने लगा कि चलो चलते हैं कुछ आज व्रत की थाली जो है वो ट्राई करके देखते हैं। और हल्दीराम बीकानेर की व्रत की थाली बहुत ही फेमस होती है, बहुत ही अच्छी होती है, टेस्टी होती है। तो मैंने कहा चलो ट्राई करके देखते हैं, क्योंकि नवरात्र साल में 2 बार आता है और ये 2 बार तो ट्राई करना बनता ही है। तो मिस्टर के मेरे व्रत था, तो वो उन्होंने ये ट्राई की। हम आ गए हैं बीकानेर में और शिवी हमारी कर रही है ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। जी हाँ, शिवी अपने चेयर पर बैठ गई है और ऑर्डर कर रही है। हमने ऑर्डर कर दिया है, देखते हैं क्या आता है हमें। और इसको शिवी ने कर दी है, बहुत बड़ी शैतानी। जैसे कि शिवी की शैतानी ऑर्डर करने तो जैसे कि यहाँ पे हमने व्रत की डुलेक्स थाली जो है वो हमने ऑर्डर की थी। इसमें समक की जो चावल की खिचड़ी होती है वो नहीं इंक्लूड करवाया था। उससे जो दूसरी वाली थाली होती है, इसमें 3 थाली आती है, एक मिनी थाली आती है, एक डुलेक्स आती है, एक स्पेशल डुलेक्स करके कुछ आती है, उसमें समक के चावल भी होते हैं, खिचड़ी होती है। और मैंने अपने लिए ये कुलचे, पंजाबी कुलचे और छोले, ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी थे। तो मेरे मिस्टर ने जो है अपने व्रत की थाली ट्राई की थी, जो कि बहुत ही अच्छी थी। देसी घी में पूरे सारे आइटम बने हुए थे और शिवी भी यहाँ पे इंजॉय कर रही थी। एक्चुअली में मिक्स फ्रूट रायता मिला था, तो उसमें वो चीज़ खा रही थी। रायता बहुत पसंद करती है। और यहाँ पे मैं अपने छोले कुलचे ट्राई करने जा रही थी। शिवी ये सब तो खाती ही नहीं है। तो बस हम लोग यहाँ पे आ गए थे कुछ मिठाई लेने। मैंने कहा चलो कुछ स्वीट्स ले लेते हैं, क्योंकि जब कहीं बाहर आओ तो लगता है कुछ खाने के लिए, तो पैक भी करा लेते हैं। तो यहाँ से मैंने सिर्फ रसमलाई पैक की थी और ड्राई पेठा पैक कराया था। ड्राई पेठा जो है वो व्रत में खा सकते हैं, क्योंकि वो लौकी का होता है, तो वो पैक कराया था। और बहुत ही अच्छा खाना था। आप लोग अगर व्रत हैं या नहीं भी हैं, तो एक बार वो थाली ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही यम्मी होती है, बहुत ही अच्छी होती है। और व्रत के टाइम तो